ऑलमोस्ट 100 गाइस, आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी 9i जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस सेकंड बैच को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। इस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, क्यों नहीं इसको अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं इसको मिस करना चाहिए, सारे को डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 9i डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 अर्ली एक्सेस सेकंड बैच के बारे में जो कि यहाँ पर लाइव कर दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना होगा। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 11 पर है तो आपको लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना है। फिर यहाँ पर आप बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना होगा और क्यों इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा फॉर्म को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा। क्योंकि रियलमी 3.0 बीटा को इंस्टॉल करोगे तो आपको आपके डिवाइस में हीटिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, बैटरी डाउन इशूज, लैगिंग इशूज, हैंगिंग इशूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन यूज़ के बारे में बात करें जिन्हें उसको अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर इसकी सीट्स के बारे में बात करें तो कितने यूजर्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट 3000 यूजर्स जो भी अप्लाई करेंगे उन्हें यहाँ पर रियलमी 3.0 का बीटा वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अर्ली एक्सेस पर टैप करोगे, नीचे आपको कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे, उसे होने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान रखना, आपको जियो का नंबर एंटर नहीं करना है, आप आइडिया एयरटेल का नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडरव्यू में चले जाएगा। अंडरव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म एक या दो दिन के अंदर अंदर, आजकल तो एक ही दिन में अप्रूव या फिर पासड हो जाता है एक दो घंटे बाद, तो आपको फॉर्म अप्रूव या फिर पासड होगा। फिर आपके डिवाइस में सेटिंग सॉफ्टवेयर में आपको रियलमी 3.0 का बीटा देखने को मिलेगा, जिसकी साइज आपको 5 GB के आसपास देखने को मिलेगी। और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके डिवाइस में 60% प्लस चार्ज होना चाहिए, डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 10 GB फ्री स्पेस रखना है, तभी आप अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का बीटा इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।